नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से बुरी तरह हरा दिया। 88 साल के रणजी इतिहास में ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश ने टूर्नामेंट जीता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की टीम की जीत पर खुशी जताते हुए कहा है कि पूरी टीम का नागरिक अभिनंदन और सम्मान किया जाएगा। 23 साल पहले भी मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन तब कर्नाटक से हार का सामना करना पड़ा था। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच शुभम शर्मा रहे। उन्होंने पहली पारी में 116 रन और दूसरी पारी में 30 रन का योगदान दिया। उन्हें 25,000 का चेक दिया गया। वही मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मुंबई के सरफराज खान को मिला। मध्य प्रदेश जीत गया, बहुत बहुत बधाई रणजी ट्रॉफी में विजय के लिए। गदगद और प्रसन्न है, भाव विभोर है। मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। पहली बार कई बार की विजेता मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है। मैं टीम के कोच श्री चंद्रकांत पंडित जी को, टीम के कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव जी को और उनके साथ पूरी टीम को, क्योंकि जीती है तो टीम जीती है, हृदय से बधाई देता हूं। उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और केवल बधाई यहां सीमित नहीं रहेगी, पूरी क्रिकेट टीम का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भव्य स्वागत किया जाएगा, नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। क्रिकेट का एक नया इतिहास रचने वाले हमारे क्रिकेट वीर रणवांकरे, उनका भव्य स्वागत होगा। भोपाल से खबर सभी जगत के लिए आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।